और परिणाम श्री गोपाल कृष्ण भगवान ततः शंखांश वैर्यश्च ततः माने उसके बाद क्या होगा क्या हुआ शंख भेरी मृदंग नरसिंह आदि बाजे बजने लगे। अब ये सारे बाजे युद्ध के हैं, समझे ना। बस अब युद्ध के बाजे में क्या होता है कि भाई जब सैनिक लोग होते हैं ना, तो ये सारे सेनापतिगण अथवा महारथीगण युद्ध के प्रारंभ की सूचना देने के लिए वाद्य बजाए जाते हैं। तो क्या बजा? तत शंखाश शंख ध्वनि हुई, फिर भैर्यश्च भेरी बजी, फिर पणव बजा माने मृदंग, और आनक गोमुख आदि वाद्य युद्ध के वाद्य बजने लगे। लेकिन कब बजने लगे? ततः। अब ये ततः है यानी उसके बाद यानी किसके बाद? जब राजा दुर्योधन ने सर्वप्रथम पांडवों की सेना बताई और उसके पश्चात अपनी सेना का वर्णन करते हुए पितामह भीष्म का उत्साह वर्धित करने के लिए कहा कि हमारी इसमें पांडवों की सेना हमारे भीष्म जी से रक्षित रहने के कारण कहीं टिक नहीं पाएगी। पर्याप्तम पीतमीतेषां बलम भीमादिर। पांडवों में किसका बल है? भीम का बल है, लेकिन हमारे लिए सीमित है। किंतु अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभि। पितामह भीष्म के द्वारा सुरक्षित हमारी जो सेना है, किसके द्वारा? भीष्म जी का नाम है। तो पितामह भीष्म ही अकेले मानो पांडवों की सेना को खदेड़ने में समर्थ है। अब देखो ये बड़ी विडंबना है। पांडव सेना के मुख्य रूप से भीष्म बताए इसमें, पर्याप्तम त्विदमेतेषा बलम भीमा भी। पांडवों के सेना में बल किसका है? भीम का। जवाब दो, भीम। और धृतराष्ट्र के क्या नाम? दुर्योधन के अनुसार कौरवों की रणभूमि में करो कौरवों की सेना में किसका बल अधिक है? पितामह। ठीक है, लेकिन विडंबना यह है पितामह भीष्म कौरवों की पलड़े में है न कि पांडवों के। अब पांडव हमने बताया है कि पांडव एक ऐसी हस्ती है कि जिनके साथ भगवान है, इसलिए सत्वगुणी सत्प्रवृत्ति ही पांडवी सेना है, और कुप्रवृत्ति कौरवों की सेना है, किंतु सेनापति पितामह भीष्म है ना बेटा। अब क्या आप ये कह सकते हो कि जो दुर्मति दुर्गुण वाले उनका सेनापति सेना नायक पितामह भीष्म है, तो पितामह भीष्म कितने दुर्गुणी होंगे?
हमारे कहने की हिम्मत हो सकती? विडंबना यही है कि पितामह भीष्म इसका सेनापतित्व प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या करेंगे साधकीय जीवन में? यह बहुत बड़ा इशारा है। इशारा तो यह है कि जिसका मोहरा पितामह हो, यानी हम आश्रमवासी, हमारा मोहरा क्या है? भगवान। हमारा मोहरा क्या है? आश्रम। बराबर है। अब दुनिया को क्या लगेगा? आश्रमवासी है ना, निरंतर भगवान के भजन में ही चूर रहने वाले हैं। यही तो विडंबना है। लोग बड़ी श्रद्धा से हमें प्रणाम करेंगे, क्यों? पितामह भीष्म है, इनका मोहरा बहुत अच्छा है। लेकिन कभी ऐसा ना हो कि हम कौरवों की सेना का आधिपत्य करने वाले हो जाए, यानी दुर्गुणों का वर्चस्व हम स्वीकारने लग जाए, है ना? ये इशारा है। और ये इशारा क्यों है? यद्यपि तुम आश्रमवासी हो, यद्यपि पितामह भीष्म से रक्षित हो, किंतु यदि कौरवों की सेना के साथ हो तो विजय आपकी नहीं होगी। विजय किसकी होगी? पांडवों की होगी। क्यों होगी? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो, जहां योगेश्वर कृष्ण है वहां जय, जहां धर्म है यतो धर्म ततो विजय। तो बात यह, लेकिन जो भी हो, कर्म धर्म संयोग से यहां पितामह भीष्म कौरवी सेना के अधिपति बन गए। कैसे बने इतिहास में जाना नहीं है, क्योंकि फिर महाभारत खोलना पड़ेगा कि पिता को दिए हुए वचन को, संतनों को दिए हुए वचन को पालने के लिए पितामह भीष्म हस्तिनापुर के गद्दी से बन गए आदि आदि। किंतु हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अब जब पितामह बड़ी सच्चाई से युद्ध करने वाले हैं, जिस पक्ष में यद्यपि कहते थे शुद्ध भावना से जयस्तु पांडुपुत्रानां, पांडुपुत्र तुम्हारी जय हो, किंतु जब काम करने निकलते थे, युद्ध कार्य करने निकलते थे, तो बड़ी ईमानदारी से युद्ध करते थे। 10,000 महारथी पांडवी सेना के जब तक न मारे, तब तक पितामह भीष्म अपने शिविर में नहीं लौटते थे, सच्चाई से काम करते थे। यद्यपि जय पांडवों की वो ऐसी कामना करते थे, भगवान ये पुनः पांडवों का शासन हस्तिनापुर में आ जाए ऐसा मन से चाहते थे, बावजूद भी सेनापतित्व तो कौरव भी सेना का कर रहे। ऐसी तो उलझन कभी कभी हम आश्रमवासियों के या साधकों के मन में भी आ जाती है, करे तो क्या करे, समझता भी है, लेकिन जब ऐसी उधेड़ बुन मन में हो जाती है तब गीता हमें मार्गदर्शन करती है। आइए क्या हुआ? फिर जब राजा दुर्योधन ने पितामह भीष्म की बड़ाई कर दी, तो भीष्म तस्य संजनयन हर्ष, वैसा करने से बड़े हर्षित हो गए। किसके कहने से? दुर्योधन के ऐसा कहने से बड़े हर्षित। तस्य संजनयन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह, और हर्षित होकर क्या किया? अपना दिव्यं शंखो प्रदन मतु, क्या किया? शंखनाद करने। अब यदि कौरव सेना का सेनापति यदि शंखनाद कर रहा है, तो पांडवों की ओर से भी या कौरवों की ओर से भी अन्य बाजे बजने लगे। ततः ततः श्वेत ततः शंखाच वैर्यच पनमानक गूपा, ततः शंखाच वैर्यच सुमरो भव।
शंख बलि नहीं लगे, कौरवों के पक्ष से भी पांडवों के पक्ष से भी। क्या क्या लिखा है? तथा तब शंख बलि। कब? जब पितामह भीष्म ने सेनापति ने शंख बजाया, मानो सेनापति सबको आदेश कर रहे कि आप तैयार हो जाइए। मानो सेनापति का आदेश मिल चुका है। फिर क्या कहे कि युद्ध के बाद सब ओर से बढ़ गए। और महर्षि वेदव्यास पुनः ततः लिखते, पहला ततः भीष्म के लिए, दुर्योधन ने बड़ाई कर दी इसलिए बड़े हर्षित हो गए कर्मवृद्ध पितामह, और हर्षित होकर उन्होंने शंख बजाया। कब? ततः। कब? हर्षित होने के बाद। अब यहां भी भगवान कृष्ण जिसके सारथी बने हैं, उस पार्थ का कपिध्वज जब वहां रण मैदान में खड़े थे ना, जैसे ही भीष्म के शंख की ध्वनि सुनाई दी तो पुनः व्यास जी ने ततः लिखा, ततः श्वेते हये रूपे महति चंदने स्थितो, ततः श्वेते हये रूपे महति चंदने स्थितो, माधव पांडवा हर्षित होकर शंख बजाने लगे। क्यों हर्षित हुए? क्योंकि राजा जो कहा जाता है, ऐसे राजा ने बड़ा सम्मान दिया कि हमारे भीष्म के बिना हमारी विजय संभव नहीं है। इस उक्ति को सुनकर बड़े प्रसन्न मन से हर्षित होकर पितामह भीष्म ने, और वीरतता जब शंख की ध्वनि, भीष्म के शंख की ध्वनि भगवान कृष्ण और अर्जुन के कानों पे गिरी, तो यहां परिचय दिया, तथा श्वेते रायेर युक्ते, सफेद अश्वों से सुसज्जित ऐसे पार्थ का रथ है, तथा श्वेते हये युक्ते, और महति चंदने स्थितो, या चंदन माने रथ कैसा है महति, क्योंकि इस रथ को किसी कारागिर ने बनाया हुआ नहीं है इसलिए महति। यह रथ आकाश से आता है और धर्म कार्य करके अपने आप ही आकाश में विलीन हो जाता है इसलिए महति, किसी कारागिर ने बनाया हुआ नहीं। तो ततः श्वेते हये युक्ते का मतलब यह है, हमारे यहां हय को इंद्रियों का प्रतीक माना गया है, आत्मात्वम रथि, और इंद्रिय उसके घोड़े है। इंद्रिया अपने अपने विषयों की ओर खींचते हैं ना, तो अन्य के घोड़े अलग अलग रंग के हैं, किंतु पार्थ के, पार्थ सारथी के अश्व कैसे है, श्वेत, और श्वेत तत्र सत्वम निर्मलत्व, बड़ा सात्विकता का प्रतीक है, सत्कर्म सदाचार का परिचायक है, और रथ भी ऐसा है महति है, कोई सामान्य रथ नहीं है। आत्मानम रथिनम विद्वि, आत्मा रथी है और इंद्रिया शरीरम रथः,
तो इनका रथ भी दिव्य है और वाकई इनकी काया बड़ी दिव्य है। कृष्ण और यो क्या कहे है? चिदानंद में देह तुम्हारी रहित अधिकार जान अधिकारी तो भगवान का जो शरीर है वह भी दिव्य है, इसलिए आत्मानम रथी बैठने वाला और शरीर रथ बुद्धि पयातु सारथी, बुद्धि सारथी है और मन प्रग्रह में वचु, मन उसकी रास है, इंद्रिया घोड़े है, है ना। तो इंद्रियों के व्यवहार तथा श्वेते रहे और यह चंदन यह शरीर भी, अतः सत्प्रवृत्ति वाला शरीर कैसे होता है बताया गया, कैसे होता है महति, जिसका शरीर भगवान में भगवान के दर्शन का पात्र हो गया, जिसके हाथ भगवान की पूजा करते, जिसके चरण भगवान के तीर्थों की यात्रा करते, जिसके नेत्र भगवान का दर्शन करते, जिसकी इंद्रिया भगवान में लगी है। भद्रम करने भी श्रुण्याम दीवा भद्रम पश्ये महाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गेषु स्तुवं वंशस्तनू व्यशेमहि देवहितं यदायु। जिसकी इंद्रिया जिसका शरीर भगवान में विलीन हो गया है तो ऐसा शरीर दिव्य हो जाता है। मग गोविंद ते काया वेदनाही देवातया, ये शरीर भी गोविंद स्वरूप हो जाता है। चित्ते मुकुंदो वदने मुकुंदो दृष्टे मुकुंदो श्रवणे मुकुंदो एवं सदा सर्वगतः मुकुंद स किम न मुकुंद तुल्या। जिसके नजर में मुकुंद ही दिखाई देता है, दृष्टे मुकुंदो वदने मुकुंदो श्रवणे मुकुंद एवा एवं सदा सर्वगतो मुकुंदस्ते किम न मुकुंद तुल्या। उसकी काया में मुकुंद हो जाती है, जिसके सारी इंद्रिया भगवान में लग चुकी है, कितना प्यारी चीज है। तो उसकी काया तो ये रथ भी महति संदने, ये अर्जुन कृष्ण के रथ की बात नहीं चल रही है, सत प्रवृत्तिवान जिसका शरीर है अर्थात पांडव में जिनका साधकीय जीवन है, जहां भगवान को रहना पसंद है, जहां भगवान को सेवा करना पसंद आ रहा, भगवान जिसका सारथ्य करना पसंद करते हैं, ऐसे सत प्रवृत्तिवान शरीर की बात चल रही। बात समझ में आ गई? झगड़ा किनका है, कौरवों का और पांडव? पांडव तो झगड़ को राजी नहीं, बेचारे वो तो कहते हमको अपनी जगह दे दो, पांच गांव दे दो, कम से कम हम वही रह जाते। तो बोले युद्ध के बिना सुई से छिदी जाए इतनी जमीन भी हम तुम्हें देने के लिए तैयार। संघर्ष हो रहा है, ठीक है, और यह सदा सर्वदा सत्प्रवृत्ति का दुष्प्रवृत्ति से संघर्ष चलता रहता, वही तो यह आख्यान है। तो भीष्म ने शंख बजाया, भीष्म ने जब अर्थात कौरवों के सेनापति ने शंख बजाया तो पांडवों की सेना भी भागेगी नहीं, दुष्प्रवृत्ति से लड़ने के लिए सदा सदा के लिए तैयार रहती है। दुर्वासना में दिल मत लगा, नहीं तो जन्म भर जाएगा ठगा, प्रभु चिंतन नहीं प्यारे मन को लगा, प्रभु चिंतन नहीं। तो आगे आगे जो मन
कुप प्रवृत्ति की ओर दौड़ रहा है तो उसको सुप्रवृत्ति की ओर हम लाने का प्रयास करना ही युद्ध है। तो बात यह हुई तो पीछे क्यों रहे? तो तथा श्वेतेर हरेर युक्ते महति सन्दने स्थितौ और माधव पांडवश्च एव दिव्यौ शंको प्रदन्नतु। तो दिव्य शंख किन्होंने बजाया? माधव ने भी बजाया और पांडव ने भी बजाया, पांडवों ने बजाया, लेकिन कौन सा किसने बजाया इन शंखों का वर्णन है। कौरव की सेना में एक ही शंख बजा, भीष्म का, लेकिन शंख कितने बजे तो सारा पांडवी सेना का वर्णन। इनको कमजोर मत समझना, कुप प्रवृत्ति चाहे जितना अंधेरा कितना भी पुराना हो लेकिन प्रकाश के सामने ठहर सकता है, और अंधेरा पूरा रूम भर के होता और प्रकाश कितना छोटा होता। जैसी दीप कलिका धा कुटी, ज्ञानेश्वर कहते परितेजा ते बहु प्रगति पार्था सद बुद्धि थे कुटी जानो नहीं स्वल्पम अपश्च धर्मस्य त्रायते मातो भया। धर्म का आचरण यद्यपि स्वल्प हो फिर भी महान भय से उसका परित्राण करती है ना। तो जब शंखों का वर्णन हुआ तो कौरों की ओर से एक ही शंख बजा, पितामह भीष्म का, लेकिन अब पता है यहाँ किनके किनके शंख। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पांचजन्य नामक राक्षस को मारकर एक शंख भगवान ने प्राप्त कर लिया था, उस वह शंख ऋषिकेश और देवदत्तम जो स्वर्ग से प्राप्त हुआ शंख देवदत्त धनंजय पौंड्रम तो भयंकर कर्म करने वाले भीम कर्मा उर्कोदर उसने पौंड्र नामक शंख बजाया। भीम कर्मा फिर युधिष्ठिर धर्मराज भी काम पीछे गए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, उनके शंख का नाम विजय है, विजय ने अनंत विजय, अनंत बार जो विजय को दिलाने वाला शंख। अनंत विजय नकुल सहदेवश्च, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्प नामक शंख बजाए। कितने शंख बजे? और क्या कहते, इन्होंने तो शंख बजाई बजाए लेकिन पांडवी सेना पूरी शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वर शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दधतु पृथक् पृथक् पृथक्। इन महारथियों ने काशीराज जो ठहरे, शिखंडी महारथी, दृष्टद्युम्न विराट, सात्यकी जो अपराजित है, और द्रौपदी के पुत्र द्रुपद और ये अनेक जो थे अभिमन्यु, सबने पृथक पृथक शंख बजाए। गौर करने लायक क्या है, कौरव सेना में एक शंख बजा लेकिन पांडव सेना में शंख की बाहर लग गई। उपद्रवी आदमी एक ही होता है जो, और उपद्रवी आदमी पूरे गांव को बिगाड़ना चाहता, ज्यादा नहीं रहते उपद्रवी, लेकिन हाँ में हाँ सुनने वाले यदि रहे तो गांव की बर्बादी हो जाती है, पता है। किंतु उपद्रवी के सामने तुम यदि शंखनाद कर दो
परिणाम क्या हो गया? सघोष धार्तराष्ट्रान। उस घोष से पांडव का तो कुछ नहीं हुआ, किंतु धार्तराष्ट्रानां हृदयानि विदारयत्। जितनी कौरवों की सेना थी सबके हृदय विदीर्ण होने लगे। अरे हाय तौबा, अब हम तो पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, सब लोग तो हमारे ऊपर पलट गए, हमने तो बुराई करनी चाहिए लेकिन सब लोग हमें ही पकड़ लिए, अब मेरा क्या होगा? हृदयानि विदारयत्। हालांकि सब प्रवृत्ति का नाश, यदि नवश्च पृथ्वी में वस्तु बोलो, यदि ऐसा होने लग जाएगा ना, सब प्रवृत्ति यदि इकट्ठी हो जाएगी ना, तो उपद्रवी लोग अधिक कलह नहीं फैला पाएंगे। लेकिन सत्कर्म वाले लोग ऐसे होते हैं, तो उनको पता है क्या हुआ, हाँ ऐसा भी है क्या, और क्या क्या है, फिर और दूसरे से सुनेगा, तीसरे से सुनेगा, फले से सुनेगा, और पता नहीं सारी दुष्प्रवृत्ति अपने माथे में भर के रख देगा। किंतु धन्य है पांडवी सेना कि जैसे ही कौरवों की ओर से आक्रमण का शंख बजा, एक ही बजा, लेकिन पांडवों की ओर से इतने सारे शंख बजने लगे कि उस घोष से पांडवों का हृदय नहीं, पांडव सेना का हृदय नहीं, लेकिन कौरव सेना का धार्तराष्ट्रानां हृदयानि व्यदार्य। और नवच्च पृथ्वीं चैव स्तुमुरो व्यरुनाने। अब ऐसे सब व्यवस्थित देखकर, अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजो प्रवृत्ति शस्त्र संवाते धनुर्विद्यं। अब देखा कि सब तैयार है, अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है। इसी बीच अर्जुन अब कुछ मशवरा अपने प्यारे कन्हैया से करने के लिए उद्यत हुए, और इस घटना को हम कल देखेंगे, जो भगवद गीता के जन्म के पूर्व कहानी है। श्री गोपाल कृष्ण भगवान श्री भगवद गीता श्री राम जय जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 राम जय राम जय जय राम।